हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेसरपुर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, और उनको करने के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास गिवन जो इंटीग्रेंड है वे सभी इनमें से ये जो सिक्स हमने फॉर्म लिखा हुआ है उनमें से किसी एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसा कि हमने हेडिंग डाला है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो हमने सिक्स फॉर्म लिखा हुआ है इनमें से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, जिनके लिए मतलब जिनको हम लोग रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वह फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा। मान लीजिए कॉस 2x है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कर सकते हैं, या तो फिर कॉस 3x का कर सकते हैं जो कि आपका होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक, या तो फिर साइन 3x जो कि आपका होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक, और नहीं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आपका cosec और cot में भी होता है, ठीक है, और नहीं तो एक और आपका स्टार्टिंग वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हैं, इनका इस्तेमाल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेंड है वह इन सभी सिक्स फॉर्म में से किसी भी एक में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस बात को समझेंगे कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है और हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जरा देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, आप बहुत ही आसानी से यहां से देखिए कॉस 2x बराबर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आप यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं जो कि आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। अब जरा देखिए तो कॉस के थीटा के जगह पे यहां पे 2 आ गया, इंटीग्रेंड में यहां पे देखिए क्या है 1 भी है cos 2x भी है, तो आप क्या करिए कि अलग अलग कर दीजिए 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 और ये आपका cos 2x dx हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका आप जानते ही हैं, इसका आपका क्या होता है साइन 2x और x का जो कोफिशियंट है उससे हम डिवाइड करते हैं, यहां पे पहले से 2 है तो आपका 1 अपॉन 4 हो जाएगा और 1 का आपका x हो जाएगा और ये आपका 1 अपॉन 2 है, तो हाफ x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x और प्लस कोई कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक, ये आई 1 अपॉन 2, 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, हमें इंटीग्रेट करना है, इसे कैसे करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यह जो है इनमें से किसी एक फॉर्म का हो जाए। तो cos 2x बराबर क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें यहां से 2 cos स्क्वायर x मिल जाएगा, कैसे, माइनस 1 को आप इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos 2x लिखेंगे, ठीक। और ये है हमारे पास dx, 1 अपॉन 2 1 dx प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x dx। 1 को हमने अलग कर लिया, cos 2x को हमने अलग कर लिया, और ये हाफ से मल्टीप्लाई दोनों पे है। बहुत ही आसानी से ये आपका हो जाएगा x अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 sin 2x और प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक। साइन क्यूब एक्स डी एक्स का हमको करना है, तो अब जरा देखिए, यहां भी जरा देखिए। हाँ एक बताओ, अगर x एंगल है तो हर जगह फॉर्मूला x में होगा, ठीक है। अगर थीटा है तो थीटा में होगा, जैसे यहां देखिए थीटा थीटा थीटा, यहां पे हमने x लिया है, दैट डजंट मैटर, हर जगह एंगल सेम होना चाहिए, x है तो x में, थीटा है तो थीटा में, ओके। तो हमें साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो देखिए साइन थीटा बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, आप यहां से निकाल दीजिए साइन क्यूब एक्स, तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक। तो आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साइन क्यूब एक्स और ये आपका dx, 1 अपॉन 4 साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा। इंटीग्रेंड में देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो आप अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन 4 और ये 3 जो है इसको आप यहां ले आइए, कांस्टेंट है, साइन एक्स dx माइनस 1 अपॉन 4, इस 3 को मत निकाल लीजिएगा, ये 3 यहां पे साइन के पहले है, और ये है आपका साइन 3x, ठीक। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस में होता है, माइनस कॉस x होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ग्रीन से थोड़ा फेंट दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और यहां पे देखिए 1 अपॉन 4 माइनस कॉस 3x होगा, और x का जो कॉफिशियंट 3 है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 3। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 4 कॉस एक्स, नीचे दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन 12 कॉस 3x प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो अब लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है, क्या चाहिए, कॉस क्यूब एक्स चाहिए, तो 3 कॉस एक्स को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
तो cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई ये आपका 4 हो जाएगा और ये dx 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और ये cos 3x dx प्लस 3 अपॉन 4 cos x और ये आपका dx। ठीक, दो फंक्शन का सम था, हम लोगों ने क्या किया सेपरेट कर दिया, प्लस लगा के भी अलग कर दिया, cos 3x को अलग कर दिया, 3 cos x को अलग कर दिया, 3 यहां पे कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। ठीक है, इस 3 को मत निकाल लीजिए क्योंकि ये 3 3 एंगल के साथ 1 अपॉन 12 ये 3 यहां आ जाएगा और cos 3x का हो जाएगा आपका sin 3x इंटीग्रेशन यहां 3 अपॉन 4 और ये आपका sin x और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और हमारे पास है cos पावर 4x, ये है। तो यहां पे देखिए बच्चों, इससे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4, 4 से हमने डिवाइड किया तो मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 4 cos x का पावर 4 है, आप इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखिए, कैसे लिखिएगा तो 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं, तो इस 2 cos स्क्वायर x के जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x लिखेंगे और इसका ये देखिए होल स्क्वायर है। अब यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4, थोड़ा ध्यान से करिएगा, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos 2x, 2ab वाला टर्म मैं मिडिल पे लिख देता हूं और प्लस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2x और ये आपका dx। यहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो इसको मैसेज छोड़ देंगे, इसको फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। यहां पे देखिए एंगल 2x है, फॉर्मूला हमारे पास x में है। ठीक, तो 1 अपॉन 4 और इस सभी को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, ब्रैकेट लिख दिया 1 प्लस 2 cos 2x, इसके लिए हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2x के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x तो आपका cos 4x हो जाएगा क्योंकि एंगल यहां पे 2x है अपॉन ये आपका 2। देखिए 2 cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 प्लस cos 2x, हमें चाहिए cos स्क्वायर x तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, एंगल यहां पे क्या है 2x है तो 2 इंटू 2x आपका 4x हो जाएगा और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे 1 अपॉन 2 है यहां पे 1 है तो 1 अपॉन 4 और आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2 dx। ठीक, 1 और 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस ये 2 इसके साथ 1 अपॉन 4 इंटू 2 तो आपका 1 अपॉन 2 आ जाएगा और ये देखिए आपका cos 2x, थोड़ा सावधानी से यहां पे करना है प्लस 1 अपॉन 4 यहां पे देखिए 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा और इंटीग्रेशन में आपका cos 4x आ जाएगा और ये आपका dx आ जाएगा। आपको भी चेक करना है, सिंपल एडिशन है। अब जरा देखिए 1 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 तो 3 अपॉन 8 हो जाएगा, 3 अपॉन 8 3 अपॉन 8 होगा और ये आपका x होगा प्लस 3 अपॉन 8 x
और देखिए प्लस ए टू यहां पे है, इसके साथ आएगा डिवाइड में, तो 1/4 साइन 2x, यहां पे आपका 1/32 साइन 4x और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन इंडिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया है। हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस था और हम लोगों ने यूजफुल फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में पहले ट्रांसफॉर्म किया, जिसका रिजल्ट हम लोगों को पता रहता है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जो है उसको इंटीग्रेट किए। तो हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।